दर्द कई साल तक कदे आड़ा दर्द कदे यहाँ दर्द, पेन किलर खा रही थी 5-7 साल से। अच्छा जी, तो झाड़े दूसरा ही झाड़ा आज मेरा तरह खत्म हो रहा था दवाइयों का, तो अच्छा समझ में ही नहीं आ रही थी चल के रहा। पहले झाड़े थे मेरा 50-60% पड़ गया था। अच्छा जी, वैसे बीजेपी लोग अभी गोहाना मंडल मीडिया प्रेस प्रवक्ता अच्छा। पैरों में दर्द था, घुटनों से नीचे। अच्छा, घुटने में भी नहीं था, वैसे दर्द था उंगलियों। सही मन से आएंगे तो आराम मिलता है जी। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। आप कौन सी बीमारी का झाड़ा लगाते हो जी? जी मैं तकरीबन सब बीमारियों का झाड़ा लगाता हूँ। ओपी पराई है, किया कराया है, या किसी को घरेलू समस्या है, किसी के काम धंधे की जो भी समस्या है, या किसी को बिजनेस की समस्या है, और तकरीबन जो बीमारी है बाबा की कृपा से हर बीमारी का इलाज होता है, और बाबा ही करने वाले हैं। हम तो एक माध्यम हैं, करने वाले वही हैं, और बाबा की कृपा से ही सबको आराम होता है। चाहे किसी को कैसी भी बीमारी हो, जिसकी प्रॉब्लम हो या लकवे की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई भी समस्या आए जी। किस वार को लगाते हो जी? ये शनिवार और मंगलवार को झाड़ा लगाते हैं, और निःशुल्क झाड़ा लगाते हैं। ठीक है। राम राम जी। कहाँ से आए हो? हांसी से आए हैं जी। अच्छा जी, तो क्या दिक्कत है आपको? मेरे पैरों में दर्द था जी। पैरों में? क्या, घुटनों में? नहीं, घुटनों में नहीं था जी, वैसे पैरों में दर्द था, घुटनों से नीचे। अच्छा, घुटने में भी नहीं था, वैसे दर्द था उंगलियों तक। अच्छा, कितने दिन से था? यूं जी मेरे 5 महीना से था। अच्छा, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा? दवाई ली थी, इतना आराम था जी। अच्छा, फिर? फिर यहाँ जी यूट्यूब पर देखा, ये महाराज जी का भी हनुमान की यहाँ निकली है बाबा की, तो हम भी ये सुनकर आ गए यहाँ। अब मेरा बिल्कुल आराम है जी, तीसरा झाड़ा। अच्छा, तीसरे झाड़ी में आराम हो गया? मतलब पहले ही में था जी। अच्छा, पहले झाड़ी में आराम हो गया था? हाँ, पहले कुछ तो पहले ही में हो गया था जी। अच्छा जी, जी आज तीसरा है जी। बहुत बढ़िया जी। तो क्या कहना चाहोगे जिनको, अगर पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो यहाँ आओ जी। अच्छा, महाराज जी के पास, इनकी शरण में, बाबा की में। अगर कोई अपनी आशा उम्मीद से आती है ना सही मन से, तो सही है, फर्क लगा है जी। और यूं देखने मेला देखने आए तो फिर क्या फायदा। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं गोहाना से। अच्छा जी, तो आप बालाजी दरबार में आए हुए हो? हाँ। क्या मनोकामना लेके आए हो? बस शरीर के संकट है, दर्द कई साल तक, कदे आड़ा दर्द कदे यहाँ दर्द, पेन किलर खा रही थी 5-7 साल से। अच्छा जी, तो झाड़े दूसरा ही झाड़ा आज मेरा। अच्छा, बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, पहले झाड़े में कितना आराम है? पहले झाड़े थे मेरा 50-60% पड़ गया था। अच्छा, आज का लगे एक बार पड़ जाएगा जाकर करा। अच्छा जी। तो आपने जो दवाई ली उनसे आराम नहीं हुआ? दवाई असर ना करती, कई साल हो गए खाते खाते, घर भरा दवाई खाते मेरा। अच्छा, सारे डाल की एलोपैथी भी, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी। अच्छा, असर खत्म हो रहा था दवाइयों का, तो अच्छा समझ में नहीं आ रही चल के रहा। तो आप क्या करते हो? मैं टीचिंग लाइन है मेरी। अच्छा जी, वैसे बीजेपी लोग अभी गोहाना मंडल मीडिया प्रेस प्रवक्ता। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी के? हाँ, बीजेपी में 18 साल से हूँ। हाँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। तो आप झाड़े में विश्वास करते हो? हाँ बिल्कुल, परमात्मा की शक्ति तो है, क्योंकि आप टीचर बता रहे हो, पढ़े लिखे तो वैसे भी। तो पढ़े लिखे तो है, हिंदू धर्म में कट्टर हिंदू है भाई बिल्कुल, और अपने सारे सनातन धर्म का प्रचार भी, हर प्रसार भी, हर यकीन तो बिल्कुल 200% है। अच्छा जी, हमारी शक्तियाँ तो सारी हैं। बहुत बढ़िया जी। रामायण है, महाभारत है, प्रूफ है राम जी के, कृष्ण जी के, तो ये कोई वैसी चीज थोड़ा है। और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, भी कलयुग है जब भी जमीन पे है, जितना हम लेंगे थोड़े इतने अवतारा में प्रकट हो जाए। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जो और लोग वीडियो देख रहे हैं? और आँखी हो भाई, जिसका शरीर की बीमारी ऐसी हो, दवाई काम ना करती हो, दुखी हो लियो, हंड का एक बार आकर बालाजी के चरण पकड़ लो, अरे महाराज जी बैठे झाड़ा लगवाओ, 200% आराम है। अच्छा जी, पूर्ण विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर के नहीं भेजोगे? ना, डॉक्टर में दाप लिए, डॉक्टर कहने लगे जी अपना देख लो जुगाड़ के, मैं बहुत दिन हो गए दवाई खुआते, माँ ठीक है, जब डॉक्टर भी जवाब देंगे तो फिर क्या इलाज है। सही बात है, डॉक्टर तो काटा पीटी करते हैं, दवाई दे दे और डॉक्टर का ज्यादा थोड़ा ना, इस चीज में डॉक्टर आए ना सकते ना, जो चीज के हम दवाई ले। सही बात, शक्ति सारी है, जो जिस फील्ड में उसे फील्ड का मास्टर है। अच्छा, अब हम लोग कह नहीं सकते, टीचिंग लाइन में तो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, जो अध्यात्म वाले वो बताओगे शक्ति कहाँ है।
ज्ञान हर एक चीज का। आप क्या लेक्चरर हो क्या क्या हो? मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है। हाँ। संस्कृत से। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? तिजारा से। कौन सा जिला? अलवर। अलवर राजस्थान जी। अच्छा, तो यहाँ बालाजी दरबार में आए हुए हो, क्या मनोकामना लेके आए हो, क्या दिक्कत है? मेरे कमर में दर्द था। अच्छा। अभी मेरा 70-80% फ्रैक्चर है इसमें। अच्छा, दर्द किस चीज़ का था? ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। कितने साल से था ये? है 3-4 साल से मेरे। अच्छा, तो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ? नहीं सर, दवाई से नहीं हुआ, अब यहाँ आए हैं तो फ़र्क है मेरे। अच्छा, कौन से जाड़े में फ़र्क पड़ गया था? ये दूसरे में। अच्छा, आज कौन सा जाड़ा है? आज लास्ट है सर, तीसरा जाड़ा। अच्छा, तीसरा जाड़ा। अच्छा, तो जो वीडियो देख रहे हैं जिनको दर्द है और समस्याएं हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनको? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आके वो जरूर यहाँ पे बाबा के दरबार में आए, फर्क मिलेगा 100% उनको भी। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं सर, मेरा अभी तो पढ़ाई चल रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो? यूपी से आए, कानपुर जिला से। अच्छा, कानपुर से। जी जी। तो इतनी दूर आए हो जी, तो आप क्या मनोकामना लेके आए हो? ये मनोकामना है कि हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा झाड़ा भी लगवाया है, उससे बहुत आराम मिला है। अच्छा जी। और हमारे एक दाएं हाथ पे बाएं पैर पे थोड़ा फालिश टाइप की थी, तो उससे झाड़ा लगवाया तो आराम महसूस हुआ। हम बृहस्पतिवार से यहीं हैं अभी, और आज मंगलवार है, आज झाड़ा भी लगा, गुरु जी के दर्शन भी हुए और यहाँ पर सभी लोगों से मिले, बहुत अच्छा वो है। दूसरी बात है कि कल तक रुकेंगे, चली जाएंगे। इतनी दूर आपको पता कैसे चला? वीडियो से, आपके जो वीडियो के माध्यम। जी जी जी, आपका यूट्यूब में हमने देखा है। अच्छा। और एक दिन हम सवेरी जगे तो पहला मतलब बाबा जी का जो है वीडियो देखा हमने, एक बार नहीं फिर दोबारा देखा, तीन बार देखा, तो उसको अच्छा लगा और इसीलिए जो है दर्शन करने के लिए भी आए और अच्छा भी लगवाए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ दर्शन करके कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ पर जो भी पब्लिक भी लोग भी मिले, अच्छे मिले, और यहाँ पर शुद्ध वातावरण, साफ सुथरा, बहुत अच्छा माहौल भी है। और हम तो श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि भाई कम से कम जो है सभी लोगों को आराम मिले और सब बढ़िया रहे सब। अच्छा, आप यहाँ ज़्यादातर किस चीज़ से प्रभावित हुए? ज़्यादातर हम इस चीज़ से स्थान भी देखकर प्रभावित हुए, और दूसरी बात है कि जो महाराज जी झाड़ा वगैरह लगाते हैं, लोगों को दुख तकलीफ को दूर करते हैं और लोगों को आराम भी मिल रहा है, और जब हमको मिला तो लोगों को भी मिलेगा, तो उसकी वजह से जो है और प्रभावित हुए। भाई जीवन में संकट तो आते हैं, और जब संकट आते तो आदमी थोड़ा सहारा लेता है, और कुछ उनके लिए उपाय मिल जाते तो वो अच्छे हो जाते हैं, दिल खुश हो के जाता आदमी। अच्छा, आप और लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये कहना है कि भाइयों, जब जब भी आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत हो, तो अवश्य आप लोग हनुमान जी को याद करें। दूसरी बात, स्थान पे आके अपनी हर मंगलवार शनिवार को आप जो है अपना मतलब दर्शन करने भी आएँ, और उससे यही होगा, जब जब आप आएंगे धीरे धीरे आपका सब बेड़ा पार होगा, और सबका होता है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? आशीष है जी। अच्छा जी, क्या दिक्कत है आपको? पहले एडियो में दिक्कत थी मेरे पाँव में। अच्छा जी। यहाँ के पहले दिन बस वही थी, अगले दिन वो तो ठीक होगी। अच्छा। झाड़ा लगाने के बाद एक ही दिन में? हाँ जी, एक ही झाड़े में, फिर दूसरी की झाड़े में। वाह, तो आपके सामने तो चमत्कार हो रहा है, अब आराम है। अच्छा जी, पाया हूँ। अच्छा अच्छा, तो जिनको शरीर में दर्द है तो उनको क्या कहना चाहोगे जो वीडियो देख रहे हैं? यही कहना चाहते हैं, सही मन से आएंगे तो आराम मिलता है जी। हाँ। अच्छा जी, कोई कुछ लेते नहीं, फ्री में झाड़ा लगाते हैं अपना क्या। अच्छा जी, ठीक है जी। अपनी श्रद्धा से कुछ भी देश को हो, बाकी